व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज भी लेकर आए बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आए हैं लेकर सिक्स पार्ट हमारे ग्रीन ब्लॉक हीरो वेगस सिटी के स्टोरी सीरीज का। दोस्तों, लास्ट गेम प्ले वीडियो मतलब की फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ड्रग के अड्डे पर भाई हमारे एनिमी यानी गरुड़ा के लोग हमला कर देते हैं और वहां से सारा का सारा ड्रग चोरी करके ले जाते हैं। उसके बाद में हमारी बॉस यानी कि हुस्की दादा पुलिस में जाकर FIR लिखाते हैं चोरी की। बस वो ड्रग का नाम नहीं लेते, बाकी ड्रग की जगह वो गोल्ड बता देते हैं पुलिस वालों को, ताकि पुलिस वाले बस एक बार चोर का पता लगा ले कि चोर कौन है, और उसके बाद में हम उनसे जाकर चोर से डायरेक्ट अपना ड्रग छीन ले। तो यार दोस्तों, इसके बाद में हमने शिपयार्ड पे भी हमला किया, क्योंकि शिपयार्ड जो है वो हमारे एनिमी जिसने हमारे ड्रग को चोरी किया है उसका ही शिपयार्ड होता है, और उसकी सारी की सारी शिप्स वहीं पे खड़ी रहती है। तो हमने सोचा कि भाई हमारे ड्रग को वो चोरी करके अब किसी दूसरे सिटी में ना भेज दे, इसलिए हम उसके शिपयार्ड पर हमला कर दिए और वहाँ पर कब्जा कर लिए, ताकि उसकी सारी की सारी शिप्स हमारे अंडर में आ जाए। दोस्तों, ये थी अब तक की स्टोरी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत दिन हो गए यार पुलिस में FIR है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसकी दादा, हम कर भी क्या सकते हैं? छोटी, ये तो कंफर्म है कि हमारा ड्रग गरुड़ा के लोगों ने चुराया है, तो क्यों ना हम गरुड़ा के लोगों पर हमला कर दें। उस कार में वो लोग हमारा ड्रग लेके गए थे, उस कार का मैंने पता लगाया है। तुम वहाँ पर जाओ और उस कार को ब्लास्ट करके आओ। ये देखो मैप में मैं वो लोकेशन शेयर कर देता हूँ, तुम बस उस कार को ब्लास्ट करके आ जाओ। उसकी दादा, मैं अभी जाता हूँ। तो चलो दोस्तों, जल्दी से चलते उस लोकेशन पे जो हमें उसकी दादा ने बताई है। वहाँ पर एक कार है जिसके अंदर वो लोग हमारा ड्रग चोरी करके लेके गए थे। तो यार दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि गरुड़ा के लोगों ने हमारा ड्रग चुराया है। हमें कार की लोकेशन भी पता चल गई और वो कार भी पता चल गई किस कार में वो ड्रग लेके गए थे, लेकिन ड्रग ले जाके कहाँ छुपाया ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जब आज हम उनकी कार को ब्लास्ट कर देंगे तो वो लोग सोचेंगे कि हमें ड्रग की लोकेशन भी पता चल गई है कि ड्रग कहाँ छुपा रखा है, तो वो लोग भाई ड्रग की लोकेशन को चेंज करेंगे और ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह जब वो लेके जाएंगे तो हम उनके ऊपर निगरानी रखेंगे और भाई एन वक्त पे उन पर हमला करके अपना ड्रग वापस छीन लेंगे। ये है अभी तक का हमारा पूरा प्लान। वैसे अभी तक तो हम भाई पुलिस के भरोसे बैठे थे, लेकिन अब पता चल गया है कि यार इतने दिनों में पुलिस ने कुछ नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं करने वाले वो लोग, तो अब हमें ही कुछ करना होगा। तो हम आ चुके हैं इस लोकेशन पे। सामने देखो वो रेड कलर की कार है जिसे हमें ब्लास्ट करना है। तो जल्दी से यार दोस्तों, इस कार को ब्लास्ट करते हैं और यहां से निकलते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका भाई गरुड़ा के लोगों का है और अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने RPG ले लिए और थोड़ा कार के पास में चल के ब्लास्ट करते हैं, ताकि ज्यादा RPG ना मारनी पड़े और ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। देख लेते एक बार, कोई दिख तो नहीं रहा हमें। दोस्तों, कोई हमें नहीं देख रहा है, मतलब गरुड़ा के लोग अभी हमें नहीं देख रहे हैं। जल्दी से ब्लास्ट करते हैं। तो ये लो, ओ भाई एक RPG में नहीं फूटी, चलो दूसरी मारते हैं। तो ये और ये लो दोस्तों, हमने इस कार को ब्लास्ट कर दिया और जल्दी से अब हम यहां से रफो चक्कर हो रहे हैं, क्योंकि यार अब गरुड़ा के लोग हम पे हमला कर सकते हैं। तो हमले से बचने के लिए हमें यहां से भागना होगा। तो जल्दी से, ये क्या यार एनर्जी खत्म हो गई, जल्दी से हमें यहां से गायब होना होगा और पहुंचना होगा उसकी दादा के पास में। यहां पे अब हमारे लिए रहना खतरा है। जब कार ब्लास्ट करके तुम यहाँ भाग के आए हो तो तुम्हें गरुड़ा के लोगों ने इस तरफ आते हुए तो नहीं देख लिया? कहीं उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल जाए और वो मेरे ऊपर भी हमला कर दे। यार उसकी दादा, मैंने जैसे ही कार ब्लास्ट की मैं वहां से रफ चक्कर हो गया और मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या किसी ने मुझे इस तरफ आते हुए देखा या नहीं देखा, मैं बिल्कुल नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि जितना फास्ट मैं आ सकता था मैं दौड़कर यहाँ आ गया। अच्छा चल, कोई नहीं यार, उन्होंने तुझे देखा या नहीं देखा क्या फर्क पड़ता है, अब तो आमने सामने की लड़ाई है आर या पार की। तो छोटे, डरने की कोई बात नहीं है, बस यार मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई गन नहीं है, अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो मैं उनसे फाइट कैसे करूंगा। तो यार छोटे, मुझे ना तो एक गन ला दे बढ़िया सी, फिर तो मैं उनको देख लूंगा, चाहे 10 आए चाहे 20 लोग आए, मैं सबको मार डालूंगा। ये हुई ना बात। उसकी दादा, मैं आपके लिए अभी लेके आता हूँ गन। तो चलो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं गन शॉप पे और मस्त सी गन देख के लाते हैं यार उसकी दादा के लिए, क्योंकि हो सकता है जब हम यहाँ पे ना हो और उसकी दादा अकेले हो तो इनके ऊपर वो लोग अटैक कर दें और ये मारे जाएं, इसलिए इनके पास भी यार हथियार होना जरूरी है। वैसे तो ये वॉचमैन की ड्रेस में रहते हैं, लेकिन वॉचमैन वाले डंडे से क्या ही फर्क पड़ता है भाई, वॉचमैन के पास सिर्फ डंडा होता है, गन नहीं होती। तो इनके पास सिर्फ डंडा है भाई, गन नहीं है, तो इन्हें अभी हम गन भी लाके देने वाले हैं। तो जल्दी से जा रहे हैं हम अभी शॉप पर जहाँ पर गन मिलती है और इनके लिए एक बड़ी ऐसी गन खरीद के लाएंगे। हमारे पास में पैसे तो हैं यार, इतने पैसे में तो आ जाएगी एक अच्छी सी गन। तो जल्दी से चलते हैं यार, गन शॉप यहीं कहीं थी, किधर है? अच्छा वो देखो दोस्तों, सामने रही। तो जल्दी से हम जाने वाले हैं उस गन शॉप के अंदर और एक गन लेके आने वाले हैं हमारे उसकी दादा के लिए, क्योंकि
बाद में उसके दादा गन मिलने के बाद में भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर भाई गरुड़ा के लोगों को ये अकेले ही मार लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं गन शॉप पे। कौन सी गन लें? आर्मी नहीं लेना, ये वाली गन ले लेंगे यार, कैसी रहेगी ये यार, मुझे ठीक लग रही है। तो जल्दी से हम उनके लिए ये ही गन ले लेते हैं। तो ये लो दोस्तों, हमने उसकी दादा के लिए ये गन ले भी ली है, क्योंकि यार ये ना काफ़ी स्मार्ट गन है भाई, मतलब फटाफट से काफ़ी सारी गोलियाँ चलती है इससे। तो लेके चलते हैं ये गन और देते हैं हमारे उसकी दादा को। तो ये लो दोस्तों, हमने ये गन ले ली है और अभी हम चलते हैं वापस से हमारे उसकी दादा के पास। तो ये लो दोस्तों, हम आ चुके हैं उसके दादा के लिए एक गन लेकर और ये गन हम अभी इनको देने वाले हैं। तो ये लो दोस्तों, ये गन वाला मिशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके दादा के पास भी अब गन आ चुकी है। थैंक यू छोटे, वैसे ये गन मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच छोटे। अरे गन तो अच्छी लगेगी उसके दादा, वैसे भी ये मेरी फेवरेट गन है, मैं भी मोस्टली यही गन यूज करता हूँ। ये दिखने में अच्छी नहीं है, चलती भी बहुत मस्त है। जब गरुड़ा के लोग आए हैं ना, तब आप उनको शूट करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको शूट करने के अंदर में। अच्छा, उनको तो मैं शूट कर ही दूंगा जब वो मेरे पे हमला करेंगे, लेकिन अभी तुझे उनको शूट करने जाना है क्योंकि तेरे लिए एक और मिशन मिल चुका है छोटे। गुंडे लोगों की कार ब्लास्ट करने के बाद में हमें जिस हलचल का इंतजार था, आखिर वो हलचल देखने को मिली है छोटे। मुझे एक लोकेशन पता चली है जहाँ पे गरुड़ा के गुंडे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, हो सकता है हमारा ड्रग वहीं पे हो। तो छोटे तुम वहाँ पर जाओ और उन गुंडे लोगों को मार डालो, और वहाँ पर ड्रग अगर हमारा मिले तो वो ड्रग लेके आओ। अच्छा तो ठीक है उसकी दादा, मैं अभी जाता हूँ और वहाँ पर हमला बोल देता हूँ, हो सकता है आज हमारा ड्रग वापस हमें मिल ही जाए। तो चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं और ये स्पोर्ट्स कार लेके चलेंगे। इस बार पता नहीं किसकी है, हमारे उसकी दादा की होगी यार, हमारे उसकी दादा तो यहाँ पे खैर चौकीदार है बेचारे, उनके पास कहाँ से कार होगी, लेकिन कोई नहीं, जिसकी भी है लेके चलते हैं हम। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं हम उस लोकेशन पे जो हमें उसकी दादा ने बताई है। आज हो सकता है भाई हमारा ड्रग मिल जाए, क्योंकि हमने जो प्लान किया था अगर वैसा ही हुआ तो वहाँ पे ड्रग जरूर से मिलेगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं जो हमें भाई मैप में दिखाई दे रही है, यहीं कहीं पे है ये गोला भाई, कहाँ पर है ये, उतर के देखते हैं कार से। तो यार दोस्तों ये मुझे लगता है कहीं ऊंचाई पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये गोला है कहाँ पर। तो ये हम इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ओ भाई ये तो इसी बिल्डिंग के ऊपर है। तो चलो यार दोस्तों चलते हैं, इसके अंदर क्या मिलता है हमें। यार ओ भाई आरपीजी मिली है, लगता है पूरी गैंग एक ही बार में उड़ानी है। ओ भाई गैंग नहीं उड़ानी, यहाँ पे नीचे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी को उड़ाना है। तो चलो यार दोस्तों जल्दी से उस गाड़ी को निशाना बनाते हैं और यहाँ से ही शूट करते हैं। तो यार दोस्तों यहाँ से ही शूट करेंगे यार, हो सकता है वहाँ पे कोई खतरा हो। तो ये लो दोस्तों हमने इसे शूट कर दिया और ये लो ब्लास्ट। ओ भाई ब्लास्ट नहीं भाई, गाड़ी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये दूसरी आरपीजी मार दी और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है। तो चलो यार दोस्तों उस गाड़ी के पास ही चलते, जो होगा देखा जाएगा यार। तो ये लो दोस्तों हम आ चुके हैं इस गाड़ी के पास में और अब यहाँ से ब्लास्ट करेंगे। दोस्तों ये जरूर से उस गरुड़ा की ही गाड़ी होगी यार, बड़ी कमाल की थी लेकिन अभी बवाल बना दिया हमने इसको, ब्लास्ट हो चुकी है भाई दोस्तों ये गाड़ी बुरी तरीके से। तो चलो अभी देखते हैं गुंडे लोग। ओ भाई गुंडे लोगों की भी लोकेशन दिखाई दे रही है, तो जल्दी से इन सारे गुंडे लोगों को मार देते हैं। तो किधर हैं यार ये लोग? ओ भाई एक काम करते हैं, आरपीजी से ही शूट करते हैं इन सबको। ओ भाई 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 इनके पास नहीं जाना, ये इतने सारे लोग हैं, हमें शूट कर देंगे वरना। तो ये काफी ज्यादा लोग हैं, इनको यहाँ से छुपकर, हम यहाँ से छुप कर ही इनको शूट करने वाले हैं, क्योंकि यार ये बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं इनके पास भी आरपीजी हो सकती है तो हम मारे जाएंगे ना भाई, एक आरपीजी पड़ गई तो। तो चलो यहाँ से इनको मार देते हैं, वैसे भी ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। सबसे पहले मैंने उस मेन बंदे को मारा जिसके ऊपर एरो आ रहा था, बाकी इसके सिक्योरिटी वालों को ये लो अभी मार रहे हैं और अभी भी बच रहे हैं यार, काफी सारे सिक्योरिटी मैन लेके घूमते हैं यार ये छोटे मोटे ड्रोन भी। मतलब मैन गरुड़ा के पास में कितने आदमी होंगे जब उसके लेफ्ट और राइट हैंड पता नहीं कौन से हैंड में इतने सारे लोग हैं। तो देखो यार दोस्तों अभी एक और बच रहा है, तो इनके लिए तो गन ही यूज करेंगे, आरपीजी नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं यार, सिविलियंस को थोड़े मारना है हमें। तो ये लो दोस्तों हमने इन सारे लोगों की पेटी बना दी है, नीचे देख सकते हो पेटी दिख रही है इन सबकी हेल्थ वाली। तो अभी हमारा ये मिशन हो गया कंप्लीट, कोई बच रहा है यार ये क्या? ओके तो हमें ये शिपमेंट लेना है, मतलब इसके अंदर कुछ तो होगा। तो चलो ये ले लिया हमने और अभी हम चलते हैं वापस से हमारे हुस्की दादा के पास में, क्योंकि अभी हमारा मिशन है रिटर्न टू हुस्की। तो रिटर्न टू हुस्की में हम जा रहे हैं वापस से उसके दादा के पास में। देखो यार हम कितनी दूर आए थे इन लोगों को मारने के लिए, गाड़ी से तो मतलब कुछ ज़्यादा ही दूर लग रहा था, क्योंकि हम तो भाई ऐसे फ्लाई करके आने वाले होते हैं ना, तो फ्लाई करके अगर हम कहीं भी जाते हैं बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं, वरना गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरी सिटी, यार काफ़ी बड़ी सिटी है, लेकिन इस बड़ी
सिटी में भी हम कितनी ही दूर जाना हो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं अगर हम फ्लाई करके जाते हैं। अभी देखो यार दोस्तों हम कितनी दूर गए थे और वहां से फ्लाई करके हम देखो कितनी जल्दी आ गए हैं उसके दादा के पास में। वो देखो नीचे रहे उसके दादा, जल्दी से चलते हैं उनके पास में और इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इस गोल घेरे में जाना है हमें और ये लो हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी मिशन, नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में देखते हैं हमें कौन से और नए मिशन मिलते हैं। तो बस आज के गेम प्ले वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।